तो दोस्तों ये वो बिल्डिंग रही जिस बिल्डिंग में रहती हैं बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके की ये बिल्डिंग दिखाई देती है, इसी बिल्डिंग के अंदर रहती हैं बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं मुंबई में, और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक मैं सीरीज चला रहा हूँ या एक कहें पहल कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री के घर दिखाने की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो हम लोग फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखते हैं या किसी भी एक्टर या विलन को देखते हैं, तो वो मुंबई में कहाँ पे रहते हैं, कैसे घरों में और कैसी बिल्डिंगों में रहते हैं। लाइफ स्टाइल तो उनकी नहीं दिखा सकते, क्योंकि भाई उतना ज़्यादा अभी हमें परमिशन नहीं रहता किसी के घर पर शूट करने का, है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, इनका नाम है मनीषा कोइराला। जी हाँ दोस्तों, मनीषा कोइराला को आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा। गुप्त फिल्म आई थी एक बॉबी देओल की, उसमें काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था मनीषा कोइराला ने। जानी दुश्मन एक फिल्म आई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। तो फिलहाल के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जो मनीषा कोइराला का जन्म है वो 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिताजी जो हैं नेपाल राजनीति के कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें तो नेपाल में जन्मी काठमांडू में, ठीक है, और बॉलीवुड में आके इन्होंने अपना नाम बनाया, फिल्में करी और इतना सब कुछ हासिल किया। आज वो अविवाहित हैं, यानी कि वो अपने पति से 2 साल में ही तलाक उन्होंने ले लिया था। 2010 में उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ शादी करी और 2012 में उन्होंने शादी से तलाक ले लिया था। तो अभी वो सिंगल हैं और जिस बिल्डिंग में रहती हैं उस बिल्डिंग को आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में और भी बहुत सारी उनके रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर फाइनली आप लोग देख सकते हो, ये जो गेट है उस बिल्डिंग का गेट है जहाँ पर रहती हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इनके उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने भी हम बैठे हुए हैं जहाँ पे मनीषा कोइराला जी रहती हैं। ये देखिए बहुत ऊंची बिल्डिंग है बहुत, और पेड़ है इसके पास में, तो इसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हो, पेड़ों के बीच में भी दिख रही है आप लोगों को। साइड से चल के भी दिखाएंगे अभी, लेकिन यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग का मेन गेट है। और इस बिल्डिंग में भी हर बिल्डिंग की तरह 2 गेट हैं, दूसरे गेट की तरफ भी चलेंगे। जो एग्ज़िट वाला गेट है वो बंद ही रहता है ज़्यादातर, आप लोग वो सब लोग जानते हो कि एग्ज़िट वाले गेट बंद ही रहते हैं, इमरजेंसी के लिए होते हैं वो। प्लस ये जो मेन गेट है ये है उसी बिल्डिंग का जिस घर में रहती हैं मनीषा कोइराला जी। मनीषा कोइराला जी की बात करें, अगर इनका उपनाम की अगर बात करें, इनको जो है इनका निक नेम जो मनु भी लोग कहते हैं और मान्या भी लोग कहते हैं। ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, है ना, तो आप लोग जानते हो। अगर इनके जन्म की बात करें हम लोग, तो जन्म इनका 16 अगस्त 1970 को हुआ था, और 2018 के अनुसार ये 48 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी 22 चल रहा है, 18-4-22, यानी कि कह सकते हैं 52 साल में चल रही हैं ये अभी, है ना। इनका जन्म जो है काठमांडू नेपाल में हुआ था, जैसा मैंने पहले बताया, रास इनकी सिंह है, ठीक है, और नेपाली और भारतीय दोनों इनके पास राष्ट्रीयता है शायद, और दिल्ली में भी इनका एक घर है। और इन्होंने स्कूलिंग जो है BKM वाराणसी, वहाँ से इन्होंने 10th किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली से इन्होंने अपना आगे की पढ़ाई की है, महाविद्यालय यानी कि इन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। और फिल्म बनाने में इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है भाई, धर्म से ये हिंदू हैं, और इनको मतलब यात्रा करना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है इनको, है ना। अगर इनकी पहली फिल्म की बात करें, डेब्यू इनका जो है, एक फिल्म आई थी सौदागर, 1991 में फिल्म आई थी, जो कि दिलीप कुमार और अपने जानी यानी कि राजकुमार साहब लीड रोल में थे, उसी में ये सौदागर फिल्म में नज़र आई थी। और एक नेपाली फिल्म में इन्होंने काम किया जो कि फेरी बौथौला करके थी, जो कि 1989 में आई थी वो फिल्म, उसमें भी इन्होंने काम किया है। तो अगर इनके दोस्तों, वैसे तो ये वैवाहिक थी और अभी ये जो है तलाकशुदा हैं। इनके बॉयफ्रेंड की बात करें तो विवेक मुसरान, जो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं जो कि इन्हीं के अपोजिट, ये जो अभिनेता हैं विवेक, इन्हीं के अपोजिट ये सौदागर फिल्म में थी, तो इसी वजह से ये बॉयफ्रेंड भी रहे पहली फिल्म के जरिए ही, हो सकता है इनकी नैन मिले हों, आंखें मिली हों और इनको प्यार हो गया हो, ऐसा कुछ। उसके बाद क्रिस्पिन कानरो ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट थे, उनके साथ इनका जो है चक्कर कर रहा है। उसके बाद संदीप चौटा संगीत निर्देशक हैं, उनके साथ इनका चक्कर कर रहा है।
नाना पाटेकर एक अभिनेता हैं, जानते हो आप सभी लोग, उनके साथ इनका चक्कर रहा है। उसके बाद डीजे वोसॉन के साथ इनका चक्कर रहा है, उनके बाद सेसिल एंथनी इनके साथ इनका चक्कर रहा है, फिर आर्यन वैद्य मॉडल और अभिनेता इनके साथ इनका चक्कर रहा है, प्रशांत चौधरी के साथ इनका चक्कर रहा है, अक्षय के साथ चक्कर रहा है, अक्षय कुमार नहीं अक्षय दूसरे हैं अभिनेता, उनके साथ चक्कर रहा है, फिर एक क्रिस्टोफर डोरिस एक खेल सलाहकार हैं, लेखक हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ इनका चक्कर रहा है, सम्राट दहल उनके साथ इनका चक्कर रहा है, फिर पति भी इनके सम्राट दहल ही पति भी थे इनके, जो कि 2010 से 2012 तक ही रहे, अमेरिकी व्यापारी थे, उसके बाद इनका जो है तलाक हो गया। ये दूसरा गेट है इसी बिल्डिंग का, आप लोग देख सकते हो। अभी हम दूसरे साइड आ गए हैं। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला थे, पूर्व नेपाली राजनेता हैं। माता का नाम सुषमा कोइराला है। भाई बहन में से भाई का नाम सिद्धार्थ कोइराला है, बॉलीवुड अभिनेता है सिद्धार्थ, है ना, बहन की है नहीं, तो आप सभी लोग देखना। ये है कुछ इनकी वो बिल्डिंग। और इनके पास कुल संपत्ति की बात करें तो 80 करोड़ की इनके पास कुल संपत्ति है, लगभग मानेंगे तो कुल संपत्ति लगभग इनके पास जो है 80 करोड़ की है। ये देखिए इस बिल्डिंग के अंदर रहती हैं बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला, जो कि इधर से भी पेड़ों से आधी नीचे की ढकी हुई है, ऊपर की भी पेड़ों से कुछ ढकी रहती है, तो कहीं किसी भी एंगल से पूरी बिल्डिंग एक साथ नहीं दिख रही थी, हमने चारों तरफ से घुमा के आप लोगों को दिखा दिया है। ये है बिल्डिंग यारी रोड वर्सोवा के अंदर, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग है जहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहुँचा था अभी मनीषा कोइराला जी की उस बिल्डिंग के पास में, उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए जहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एड्रेस आप लोग देखते हो वीडियो में एकदम कंफर्म होते हैं, एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं सच्चाई है भाई। ये ऐसा मत सोच रहा कि ये कुछ भी दिखा के चलाता, नहीं, गूगल से वेरीफाइड है ये मतलब एड्रेस, और यहाँ पे जब आके हम लोग पूछते हैं गार्ड वगैरह से तो भी कन्फर्म हो जाता है। बट ये है फ्लोर वगैरह, वो लोग शेयर, कोई कोई फ्लोर शेयर कर देता है, कोई कोई फ्लोर नहीं शेयर करता है, बोल देता है कि क्या काम है भाई बताए, काम तो कुछ नहीं अपना है, और ये भी नहीं बताते हैं कि वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अगर ये प्राइवेट होती है तो इसको अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर वो मना करेंगे, तो जैसे तैसे कितने लोग वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं और आप लोगों को जानकारी पूरी देते हैं कि किस तरीके से और कहाँ पे वो रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में आएगा बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान आता है पास में, उसको दबा कर ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि जिससे हमारी जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और अगर हमसे बात करना चाहते हो, सवाल जवाब करना चाहते हो, तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यहाँ पर यूजर नेम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।